सलीम है और आज आपको वीडियो में बहुत अच्छी बहुत ट्विस्टिंग बहुत ट्विस्ट वीडियो के और करीब के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से बहुत समझाऊंगा आपको अच्छी तरह क्या होगा क्या नहीं, क्या मस्ती क्या ट्विस्ट। सबसे पहले आप क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें हम लिए आने वाले वीडियो को, नए वीडियो लाएंगे। और जो नए लोग हैं यार गाइस, आप लोग भी कर सकते हो बेल आइकन और सब्सक्राइब। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो गाइस। गरीब तो बहुत तरह का होते हैं, कोई होता है किराए के मकान पे और कोई होता है कबाड़ी ओड़ी होते हैं वो होते हैं, और कुछ गरीब होते हैं कि इनके पास कपड़े नहीं होते हैं। और गाइस सोचो को उनके जिनके पास और जिसके माँ बाप हैं सब कोई हैं यार, बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को लात मार के निकाल देते हैं। तो उस वीडियो पर और मैं इसकी मैं ना हर जगह देखा हूँ या रियल लाइफ में भी देखा हूँ और हर जगह कि गाइस कि मैंने ये देख रखा हूँ कि बंदे अपनी मतलब अपनी बीवी की बात बहुत मानते हैं और अपनी बीवी मतलब अपनी माँ को लात मार के बाहर निकाल देते हैं। और ये भी एक बात गाइस कि पता नहीं क्यों ऐसे क्यों करते हैं, समझ नहीं आ रहा, वही नहीं समझ आ रहा कि क्यों करते हैं ऐसे। तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखती हैं या तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाती हैं। तो गाइस ये ही बात होती है, क्यों ये क्यों करते हैं, ये तो करना नहीं चाहिए ना गाइस। इस बात पे मैं आप सबको ये बोल देता हूँ यार गाइस, आप सब ये करा करो ना। मैंने तो आजकल एक बुजुर्ग औरत है वो देखता हूँ, उनको देखता हूँ दया आती है यार, कि सोचता हूँ कि इन आंटी का क्या होगा क्या होगा, कि सरकार के लिए सरकार और कार तो कुछ करे गरीब के लिए और कुछ बहुत अच्छा सी तरह करे गाइस, कि समझे तो और अच्छा लगे हमें को भी लोगों को प्यार आए। और जिसे लगता है कि गाइस थोड़ा सा उनके दया तो आती ही है, लेकिन गाइस एक बात और, कभी भी ना गरीब को ना भूखे गरीब को खाना खिला दो। तुम मंदिर में जाते हो ठीक है, तुम प्रसाद चढ़ाते हो कुछ भी चढ़ाते हो ना, तुम गरीब को दोगे ना तो भगवान और खुश होगा कि बोलेगा ये बंदा मेरे को खिलाया, तो मतलब तुम भगवान गरीब को खिलाए ना, तुमने गरीब को खिलाया तो समझो भगवान को खिलाए, ये हुई ना बात। तो वही मैं बात तो आप सब कह रहा हूँ गाइस कि आप सब गरीब को दो, मंदिर मस्जिद में कहीं पे भी हो, चाहे उसका पैर एकदम सलामत हो या कुछ भी हो, वो गरीब लग रहा है चलो ठीक है गरीब है दे दो, लेकिन गाइस आप सब उन बंदों को है जो आजकल क्या होते हैं पंडित। गाइस मैं हर जगह पंडित को देखता हूँ ना, तो सुबह सुबह आ जाते हैं ए भोले करते हुए, और रात के टाइम में भैया गए लेके आए बोतल और लगा लिए भाई पीने स्टार्ट। अरे भाई दिन भर मांग लेते हैं और रात में पीना स्टार्ट। तो भाई मेरी यही सोचूं कि ये लोग रात में ऐसे दिन में ये करते हैं रात में कुछ और, और यार मैंने ये किया है कि क्या बात हो गई आज। तो गाइस आप सबको मैं यही बता देता हूँ कि यही बात मैं सोच सोच के गाइस क्या हालत हो गई है। मैंने एक बंदे क्या बहुत बंदे जो रास्ते उस्ते में चलते हैं ना उनसे ना वो पता क्या करते हैं, और वो कहते हैं यार ये सही नहीं है यार, ये सही नहीं है यार, ये नहीं कहते यार ये सही नहीं है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही। अरे सही है तो क्या क्या सही है, तुम उनको दो जिनके हाथ पैर नहीं है, आप उनको दोगे ना तो और अच्छी बात है। मतलब आपको समझाते हैं, कहीं जाते हो कहीं दिखते हैं चाहे फुटपाथ पे चाहे गाड़ी या ट्रैफिक लाल पे कहीं पे भी, तो गाइस आप उनको दिया करो, वो उनको दोगे तो वो ऊपर वाला बहुत खुश होता है, आप उनको दोगे ना बहुत खुश होगा। सबसे पहले आप क्या कर देते हैं उस पर ही मिला देते हैं ठीक है गाइस। हाँ गाइस
फिर मैंने तो सोचा, और सोच के मैंने सोचा हैरान हुआ, तो आधे से ज़्यादा अमीर ना अपने आप को चौड़ा समझते हैं ना, ये चौड़ा ना समझना चाहिए भाई। आप लोग ना ऊपर जाओगे ना तो आप ही के साथ यही होगा, जो गरीब को लात मारता है वो महाराजा बन जाता है मेरे भाई, महाराजा। ऊपर वाला देखता है कि बंदा ये जिस जैसे कर रहा है ना, उसकी सज़ा मैं इसको ऊपर आने के बाद ही दूंगा, अभी तो जो करना है कर ले, ठीक है। और गाइस थोड़ी गाइस सी हो रही है, सॉरी, लेकिन मैं आपको इसी बात पे बता रहा हूँ कि गाइस थोड़ा सा आज ना प्रॉब्लम है, ऐड क्या है, और थोड़ा सा ज़बरदस्ती आपसे बोल रहा हूँ कि गाइस आप क्या करें क्या ना करें, बाकी आप सब गरीब को लिए बहुत मदद करें और अच्छा लग रहा होगा गाइस। तो मैं आपको पिछले बार भी वीडियो में बताया होगा, इस बार भी बता रहा हूँ यार, गरीबों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें कर रहा हूँ। मैं 2-3 दिन से अभी जब जा नहीं रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा गरीबों से भी, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे भी ज़रूर उनसे बात करवाऊँगा और ज़रूर उनसे बुक जुड़वाऊँगा और बहुत अच्छी तरह से गाइस। और मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा सब कुछ मेरे इस पे इस नीचे दिया गया है, पेटीएम भी नंबर, आप जुड़ो, थोड़ा थोड़ा कुछ पैसे दे सकते हो गरीबों को, वो हम देंगे और आपको वीडियो में ही लाइव वीडियो उनको दिखा के देंगे और आपको यूट्यूब पे ही देखते रहेंगे, उनसे हम बात कराएंगे इसी के वीडियो के थ्रू। और आपको व्हाट्सएप नंबर और मेरे पेटीएम नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे और आप ज़रूर उसको देखें और थोड़े पैसे गरीबों के लिए दे भी सकते हो, ये हमारा है। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दे, जो नए लोग हैं यार गाइस जरूर कर दे।